नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सीने या छाती में बार बार बलगम बनने की समस्या से छुटकारा पाने का एक बहुत ही आसान सा घरेलू इलाज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाती है या फिर सर्दी जुकाम नहीं भी रहती है तो भी आपके सीने में ऐसा लगता है कि बलगम जमा हुआ है और बार बार आप उसे खांस कर निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके सीने में बराबर बार बार बलगम बनता रहता है। इस समस्या का कई कारण हो सकता है लेकिन कोई गंभीर कारण नहीं होता है। सीने में बार बार बलगम बनने की समस्या का घर पर ही घरेलू नुस्खे की सहायता से पूरी तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है, तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए लगभग आधा चम्मच सौंठ का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, सौंठ का पाउडर आपको मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। आप किराने की दुकान से सौंठ का पाउडर खरीद सकते हैं। सौंठ का पाउडर आपको लेना होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग आधा चम्मच, तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच सौंठ का पाउडर ले लेता हूँ इस तरह से। दोस्तों अब आपको इसमें जो दूसरी चीज मिलानी है वो है शहद। यहाँ दोस्तों इसमें आपको शहद लगभग एक चम्मच मिलाना होगा, तो यहाँ पे मैं एक चम्मच शहद भी इसमें मिला लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से एक चम्मच शहद मैं इसमें मिला लूँगा। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे आपको मिक्स करना है। अच्छी तरीके से ये सौंठ का पाउडर पूरी तरीके से शहद में बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है। दोस्तों मैं आपको ये भी पहले बता दूं कि आप इस नुस्खे को ज़्यादा बना करके किसी कांच की शीशी में भर करके रख भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसे आपको फ्रिज में नहीं रखना है। रूम टेम्परेचर पर आप इसे बना करके किसी शीशी में बंद करके रख सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में आप इसको तैयार कर सकते हैं। नुस्खे का प्रयोग आपको करना कैसे है चलिए ये जान लें। दोस्तों आपको अगर सीने में बार बार बलगम बनता है या आप बहुत लंबे समय से बार बार सीने में बलगम बनने की समस्या से परेशान हैं, चाहे आपको सर्दी जुकाम रहता है चाहे नहीं रहता है, लेकिन बलगम आपके सीने में बराबर जमा रहता है और निकलता रहता है, तो आप इस नुस्खे को तैयार कर लीजिए और जितनी मात्रा मैंने अभी आपको बताई है इतनी मात्रा आप रोज़ाना सुबह नाश्ते के 1 से 2 घंटे के बाद खा लीजिए, या फिर जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके सीने में बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है या आपके सीने में बहुत ज़्यादा बलगम है, तो आप इस नुस्खे को तैयार करिए और जितनी मैंने मात्रा बताई है आप पूरा इसे धीरे धीरे करके चाट लीजिए। ध्यान रखिएगा कि इसको चाटने के बाद आपको ऊपर से पानी नहीं पीना है, बिल्कुल भी पानी आपको नहीं पीना है, कुछ भी खाना भी नहीं है। लगभग 1 घंटे या आधे घंटे कम से कम आपको पानी भी नहीं पीना है और कुछ भी खाना भी नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, आप इस नुस्खे का प्रयोग करिए अगर आपके सीने में बार बार बलगम बनती है तो। चलिए दोस्तों अब मैं आपको वीडियो के अंत में आज की टिप्स भी बता देता हूँ। टिप्स में मैं जो आपको घरेलू नुस्खा बताऊँगा आप अपनी सुविधा के अनुसार उस नुस्खे का भी प्रयोग कर सकते हैं सीने में बार बार बलगम बनने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए। अगर सीने में बार बार बलगम बनता है तो रोजाना सुबह 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण जरूर खाएं, क्योंकि त्रिफला का चूर्ण वात पित्त और कफ इन तीनों दोषों को समाप्त करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही नए नए घरेलू नुस्खे लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।